गाइस अभी अपने प्रीव्यू में जिस रील्स वीडियो को देखा है, यह रील्स वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और इस रील्स वीडियो को आप वन क्लिक में बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस ट्रेंडिंग रील्स वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैपकट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसे एक वीपीएन से कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर की साइड आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फोटो पजल। जैसे आप यहाँ पे फोटो पजल सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे एक नंबर पे आपको टेम्पलेट दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके वैसे रील्स वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे जो टेम्पलेट है इससे सिलेक्ट करना है और आप जैसे ही टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज टेम्पलेट का। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप को एड करने हैं तो आपको वीडियो क्लिप सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आपको फोटो ऐड करने हैं तो सिंपली वीडियो में सिलेक्ट रहता है फोटो में करना है और आपको अपने फोटो को सिलेक्ट करना है। गाइस इस टेम्पलेट में आपको 50 क्लिप्स ऐड करने हैं। अगर आपके पास 10 या 15 ही फोटो है तो उसी फोटोज को आपको रिपीट करके इसमें ऐड कर देने हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे 50 क्लिप कंप्लीट हो जाए। अगर आपका 50 क्लिप यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो जो प्रीव्यू का ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर लेता हूँ, इस 50 क्लिप्स को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 50 जो क्लिप है उसमें सभी में फोटो ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन है वे इनेबल हो गया है। तो सिंपली आपको प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे लोडिंग लेता है और उसके बाद आपका जो फोटो है इस टेम्पलेट में अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट में हमारा फोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से अप्लाई हो गया है और इस टेम्पलेट में जितने भी यहाँ पे फोटो क्लिप्स ऐड हुए हैं वे सभी यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जिस भी फोटो को ऐड किए हो उस फोटो के जगह पे दूसरे फोटो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक रिप्लेस का, क्रॉप का, एडजस्ट का। तो इस जगह पे दूसरे फोटो ऐड करने के लिए सिंपली आपको रिप्लेस पे क्लिक करके दूसरे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इस फोटो को क्रॉप करना है तो क्रॉप पे क्लिक करके आपको इस फोटो को यहाँ पे क्रॉप कर लेने हैं। अगर आपको इस फोटो में कुछ कलर एडजस्टमेंट करने हैं तो यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एडजस्टमेंट कर लेने हैं, उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आप अपने फोटो में यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब गाइस इस टेम्पलेट में जो अभी म्यूजिक प्ले हो रहा है इस म्यूजिक को चेंज करना है तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जो यहाँ पे कैपकट का वाटरमार्क दिख रहा है ये भी आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यह वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ये जैसे एक्सपोर्ट हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है, इसे पूरा यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट में सिलेक्ट है तो इसे आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और अभी आप जिस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट किए हो सिंपली आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, एड पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैपकट एप्लीकेशन का वाटरमार्क अब नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे अब सिंपली आपको एक चेंजेज करने हैं, जो इसमें म्यूजिक ऐड हुआ है उसके जगह पे जो अभी इंस्टाग्राम पे म्यूजिक ट्रेंडिंग में चल रहा है जड़दम मुकाबला, सिंपली आपको उस म्यूजिक को यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको नीचे ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सट्रेट पे क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेने हैं और सिंपली आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इनपुट साउंड ओनली पे क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूजिक उस वीडियो से इनपुट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको अपने वीडियो का जो म्यूजिक है इसे म्यूट कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेने हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके तो यह वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। चलिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वीडियो मेरे गैलरी में सेव हो गया है। अब सिंपली आपको इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट में शेयर कर देने हैं। तो गाइस इस प्रकार से आप काफी आसानी से इस न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो को बना सकते हो कैपकट एप्लीकेशन की मदद से। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसी इंस्टाग्राम रील्स ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।